Assalamualaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Man. So let's start our new lecture for class 9th physics chapter number 1 physical quantities and measurement. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन क्या है, पहले हम चलते हैं बुक पर और देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक कहाँ पर है और क्या है. ये है आपका चैप्टर नंबर 1. जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं पढ़े, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में पिछले तमाम लेक्चर्स के लिंक गिवन है, आप वो सारे लेक्चर जो हैं वो पढ़ें और फिर यहाँ पर आएँ, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको ये लेक्चर समझना आसान होगा. तो चलिए देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट अ लार्ज और स्मॉल नंबर इज टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10. यानी कि ये प्रीफिक्सेस की तरह का ही है, लेकिन प्रीफिक्सेस में हम नंबर और लेटर लगाते थे, मतलब वो 10 की पावर का जो मल्टीपल हो जाता था उसको हम लेटर में या नंबर में कन्वर्ट कर देते थे. जैसे 10 की पावर 3 था तो 10 की पावर 3 को हमने कन्वर्ट कर दिया किलो में, 10 की पावर 6 है तो 6 को कन्वर्ट कर दिया मेगा में. इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन भी एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम बड़ी क्वांटिटीज़ को या छोटी क्वांटिटीज़ को 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब यहाँ पर 10 की पावर कोई भी हो सकती है. प्रीफिक्सेस में तो आपने देखा 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15, 18, इस तरह. वो 10 की पावर जो है वो खास वैल्यू में होनी चाहिए तो प्रीफिक्सेस ऐड होगा. लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है. साइंटिफिक नोटेशन में आप वैल्यूज़ को किसी तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 की पावर में, लेकिन 10 की पावर का नंबर जो है वो कोई भी चल सकता है. यानी कि आपका यहाँ पे 5 भी चल जाएगा, 6 भी चल सकता है, 7 भी चल सकता है. यानी कि इस तरह नहीं है कि आपको 6-9 ही इसी की ज़रूरत पड़े. देखते हैं एक डेफिनेशन तो जो अभी हमने पढ़ी. अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट अ लार्ज और स्मॉल नंबर इज़ टू एक्सप्रेस दैम इन सम पावर ऑफ 10. यानी कि वैल्यूज़ को 10 की पावर में एक्सप्रेस करना. दूसरी डेफिनेशन आप ये भी याद कर सकते हैं, दोनों की दोनों डेफिनेशंस हैं, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं. इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय द नंबर बिटवीन 1 एंड 10. यानी बात वही है कि वैल्यू को 10 की पावर में हमने एक्सप्रेस करना और वो वैल्यू 1 और 10 का मल्टीपल्स यानी इनके दरमियान में हो सकती है. ठीक है, अब जब एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा हमें क्लियर होगा. एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, यानी कि चाँद का ज़मीन से जो फासला है वो कितना है. जो चाँद का ज़मीन से फासला है जो साइंटिस्ट ने मेजर किया है वो है 38 करोड़ 40 लाख मीटर का फासला है. मीटर चूँकि लेंथ का यूनिट है तो इस वजह से हमने ज़मीन का चाँद से जो डिस्टेंस है वो लिखा मीटर में, जो कि 38 करोड़ 40 लाख मीटर है. अब 38 करोड़ 40 लाख मीटर एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हमने छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है. तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पूरी वैल्यू लिखें जिस तरह ये लिखी हुई है 38 करोड़ 40 लाख मीटर, या दूसरा साइंटिफिक वे जो अभी हमने पढ़ा वो क्या है. अब साइंटिफिक वे में वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना पहले समझ लें. दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इशारिया कहाँ पे लगाना है, पॉइंट कहाँ पे लगाना है. पॉइंट आपने ऐसी वैल्यू पे लगाना है जो कि ऐसी वैल्यू के बाद लगाना है जो कि ज़ीरो ना हो, यानी कि पॉइंट ज़ीरो के बाद नहीं होना चाहिए. ठीक है, और पॉइंट सबसे पहली जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है वहाँ पर ही लगाना है. यानी कि आपने बहुत बड़ी वैल्यू है उसमें देखना है कि सबसे पहली वैल्यू क्या है जो ज़ीरो नहीं है, उसके बाद लगाना है. तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए पहली वैल्यू, और दूसरी पहली वैल्यू के बाद लगाना है. जैसे ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसमें ये भी वैल्यूज 3 जो है वो सिफ़र नहीं है, 8 जो है वो सिफ़र नहीं है, 4 जो है सिफ़र नहीं है, लेकिन पॉइंट तो लगाना है ना हमने. तो पॉइंट क्या 4 के बाद लगाएंगे, 8 के बाद लगाएंगे, या 3 के बाद लगाएंगे? तो सबसे पहली वैल्यू है 3, तो हमने पॉइंट को 3 के बाद ही लगाना है. ठीक है, तो अब किसी भी वैल्यू में जहाँ पर आपको पॉइंट या इशारिया नज़र ना आ रहा हो तो उसका मतलब आपने हमेशा यही रखना है कि समझे सबसे लास्ट पे पॉइंट है. जैसे 38 करोड़ 40 लाख मीटर में आपको पूरी वैल्यू में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पर है. ठीक है, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है फॉरवर्ड.
आगे की तरफ मूव करवाना है और कहाँ पे मूव करवाना है, पहली वैल्यू तक, और वो पहली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमने इस पॉइंट को थ्री के पास लेकर जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी दफ़ा हमें ये मूव करवाना पड़ेगा, ये कितने जंप जो हैं वो आगे लेके जाना पड़ेगा, देखें समझते हैं इसको क्लियर। ज़रा जहन को यहाँ पर अंडरस्टैंड रखिएगा, जहन को यहाँ पर हाजिर रखिएगा तो ये समझ आएगा। यहाँ पे पॉइंट है तो एक जंप, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, यानी कि तीन से पहले पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाने के लिए 8 बार आगे मूव करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जब पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, 3.8। तो कितनी बार हमने मूव करवाया, 8 दफ़ा, तो उस आपने मल्टीप्लाई 10 और उसके ऊपर उतनी पावर डाल देनी है, ठीक है। ये एक आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू थी 38 करोड़ 40 लाख मीटर, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक मेथड के थ्रू, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 3.84 × 10^8 बन गई। तो इस वैल्यू को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, द मून इज 384 लाख किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ज़मीन से 38 करोड़ 40 लाख मीटर फासले पर है। और दूसरा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन 3.84 × 10^8, यानी दो तरीकों से हमने लिख दिया। तो ये जो तरीका कहलाता है ये वाला, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक नंबर लिखा 62,750, ये एक वैल्यू है सिंपल, 62,450 है। हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखें यहाँ पे पॉइंट अगर आपको इस वैल्यू में नहीं नज़र आ रहा था तो मैंने अभी आपको बताया जिस वैल्यू में आपको पॉइंट नज़र ना आए इसका मतलब है वो लास्ट में होता है। तो अगर आपने यहाँ से पॉइंट मूव करवाया 1, 2 और 3, इसका मतलब तीन जंप आपने इसको आगे मूव करवाया, तो इसका मतलब है ये हुआ 62.75 × 10^3। अभी आप वो मेरा रूल जहन में रखिएगा कि पॉइंट तो पहली फिगर के पास आना चाहिए था, लेकिन अभी समझे कि अगर तीन जंप लगाए हैं तो इसका मतलब है 10^3 आ गया। दूसरा है कि अगर इसको मजीद वो बेस्ट पैटर्न पे लेके जाएं जो हमारा था, वो तो 6.275 × 10^4, यानी कि पॉइंट अगर यहाँ पे था तो 1, 2, 3 और 4 जंप लगवाए हैं पॉइंट को, तो इसका मतलब है अब ये हुआ 6.275 × 10^4। तीसरा है कि अगर हम मजीद आगे बढ़ा दें यानी 6 से भी आगे पॉइंट को ले लें तो क्या ये कहलाएगा, 0.67 6275 × 10^5 हो जाएगा। यानी कि ये तीन तरीके हो जाएंगे जिसके ज़रिए हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इन सब में बेस्ट क्या है, देखें तरीका तो ये तीन मेथड जो हैं ये है तो तीनों ठीक, लेकिन बेस्ट क्या है, यानी कि पहली में हमने पॉइंट को तीन जंप मूव करवाया 10^3 बना, दूसरी में हमने पॉइंट को चार जंप मूव करवाया तो 10^4 बना, और पांच जंप मूव करवाने के साथ 10^5 बना। तो ये दोनों मेथड एक्सेप्टेबल हैं किसी हद तक, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हम ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। बेस्ट मेथड और परफेक्ट मेथड क्या है साइंटिफिक नोटेशन का, वो यही है जिसमें हम सेंटर वाली वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं 6.275 × 10^4, यानी कि पहला डिजिट, यानी ऑल दीज आर करेक्ट, मेथड तो तीनों ठीक है लेकिन बट द नंबर डैट हैज वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल, यानी कि नंबर जो है वो डेसिमल के बाद अगला नंबर जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है, और प्रेफरेबली टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वैल्यूज को एक्सप्रेस करने की, यानी कि सबसे पहला नंबर और वो जीरो ना हो, ठीक है, और साथ में 10^5 हो। तो ये हमारा टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन का। अब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं, आप बुक से देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ पर हैं जिनको हमने अभी सॉल्व करना है। देखें ये साइंटिफिक नोटेशन जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन गिवन है, नेम फाइव प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कौन से ऐसे फाइव प्रीफिक्सेस हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बॉक्स है जो हमने अभी सॉल्व करना है। तो ये लिखा हुआ है नेम फाइव प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज, कौन कौन से हैं जो हमने पीछे प्रीफिक्सेस में टॉपिक पढ़ा,
मेगा, किलो, मिली, माइक्रो, नैनो, ये पांच वो प्रीफिक्सेस हैं जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, क्योंकि वैल्यूज नॉर्मली इस रेंज के अंदर अंदर आती होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अब सूरज का जमीन से इतना फासला है कितना, 150 मिलियन किलोमीटर। अब उसके दो ऑप्शन हैं, वो कह रहे हैं कि इसको एज ऑर्डिनरी होल नंबर में, यानी जो बोला गया उस तरह एक्सप्रेस करें, तो वो यही है 150 मिलियन किलोमीटर, तो ऑर्डिनरी नोटेशन तो यही हुई। दूसरी नोटेशन क्या है, इस साइंटिफिक नोटेशन, अब यही वही मेथड अप्लाई करेंगे। इस पूरी वैल्यू में आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब कहाँ पे है, लास्ट पे, तो पॉइंट को लास्ट से मूव करवाना है कहाँ पर, सबसे पहली वैल्यू पे। सबसे पहली वैल्यू क्या है, वन, और वो सिफर नहीं है, तो बस सिंपल हमारा काम हो गया। तो अब ये देखें, यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम मूव करवाएंगे, तो 1.5 × 10⁻⁸ किलोमीटर। तो इसका मतलब है साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1.5 × 10⁻⁸ किलोमीटर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द नंबर गिवन इन द साइंटिफिक नोटेशन, इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें। तो सबसे पहले है ये आपका एक 3, आगे कितने सिफर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 3 बिलियन मीटर पर सेकंड का एक वैल्यू रखने वाली क्वांटिटी है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखें, ये वाली जो वैल्यू है 3 बिलियन मीटर पर सेकंड को हमने क्या किया, पॉइंट को मूव करवाया। पॉइंट को मूव करवाने का मेथड वही है, अगर नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो यहाँ पे मूव करवाया, इसका मतलब है 3 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड का ये एक इजी वे है साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने का। इस तरह दूसरा है आपका ये 64 लाख मीटर, ये वैल्यू है 64 लाख मीटर, बड़ी वैल्यू है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे मूव कराएंगे, ये देखें, इस पे पॉइंट मूव नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है लास्ट में 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम मूव करवाया, तो वैल्यू क्या बनी, 6.4 × 10⁻⁶। नेक्स्ट वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, तो ये पॉइंट नजर आ रहा है, तो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद, पहला डिजिट तो ठीक है लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये तो जीरो है, तो इसका मतलब है इस पूरी वैल्यू में आपको नॉन जीरो डिजिट ये दो नजर आ रहे हैं जो कि 1 और 6 है, तो पॉइंट को यहाँ पे लाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब है 9 टाइम्स बैकवर्ड मूव करवाएंगे। तो जब बैकवर्ड मूव करवाते हैं तो 10 की पावर -1 में आती है, तो 1.6 × 10⁻⁹ −9 ग्राम। फॉरवर्ड मूव करवाएंगे 10 की पावर +1 में आएगी, बैकवर्ड मूव करवाएंगे 10 की पावर -1 में आएगी। लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट क्वेश्चन है 0.0584, इसका मतलब है पॉइंट को हमने मूव करवाना है बैकवर्ड, क्योंकि पॉइंट पहले डिजिट के बाद हो और जो जीरो ना हो, लेकिन यहाँ पर पहला डिजिट जीरो है, तो इसका मतलब बैकवर्ड मूव करवाएंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 जंप बैक मूव करवाएंगे, 5.48 × 10⁻⁵ सेकेंड। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो हमें समझ आ गए, साइंटिफिक नोटेशन का मेथड समझ आ गया कि क्या है, मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना इनटू मल्टीपल्स ऑफ 10, और पॉइंट हमेशा पहले डिजिट के बाद और वो पहला डिजिट जीरो ना हो, ये साइंटिफिक नोटेशन का मेथड कहलाता है। थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। आगे जो हमारा टॉपिक है, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, वो हमारा स्टार्ट होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।